दुर्ग नगर निगम के पार्षद और MIC मेंबर मनदीप सिंह भाटिया के ऊपर एक महिला की जगह पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगा है। महिला ने इसकी शिकायत दुर्ग कोतवाली कलेक्टोरेट और महापौर से की। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो बुधवार को धरने पर बैठ गई। महिला शाम तक धरने पर बैठी रही। इससे पूरे निगम में हड़कंप की स्थिति है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 7 की रहने वाली रेखा अग्रवाल ने निगम परिसर में अकेले ही धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्ग नगर निगम के MIC सदस्य व पार्षद मनदीप सिंह भाटिया ने उनकी जगह पर जबरिया कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने उनकी दुकान को तोड़ दिया जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। महिला का कहना है कि उन्होंने शासन की फ्री होल्ड योजना के तहत उस जमीन के अधिग्रहण के लिए आवेदन लगाया हुआ है। दुर्ग तहसील के राजस्व निरीक्षण ने मौका मुआयना कर लिया है। उनके आवेदन प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इस जमीन का मालिकाना हक उन्हें मिल जाएगा। उसके बावजूद पार्षद मनदीप सिंह भाटिया ने उन्हें वह जमीन खाली करने के लिए डराया धमकाया, साथ ही उस जगह पर रखे उनके ठेले को भी तोड़ दिया है।